खुल के बैठे। ये आप पूरे अपने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए। मैं अपने गांव से आ रही थी अपने घर के लिए, तो मैंने नेशनल हाईवे 24 पे देखा कि एक लड़की को मार रहे थे कुछ गुंडे। तो मैंने मतलब मेरी मम्मा चिल्लाने लगी कि इसको बचा लो, फिर भैया ने यूटर लिया, फिर डैडी ने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर मैं कार में थी, मुझे लगा इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तो मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट के नीचे हैमर रखा है, तो मैंने उसे पकड़ के एक को मारा, फिर वो भैया ने ले लिया, फिर मैंने 100 नंबर डायल किया, पुलिस आ गई। अबे हम भी 4-5 लोग हैं, क्या होगा। तो भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश करी, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। वहाँ पे बहुत शोर मचाया कि अगर आपके घर का मामला हो तो आप क्या करेंगे, लेकिन किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। अन्य लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि लोगों को मदद करनी चाहिए। अगर कोई किसी के घर का मामला हो तो वो क्या करेगा, अपनी लड़की जैसा ही मतलब समाज में और लड़कियों को भी मानना चाहिए। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और बहुत प्राउडली मैं शेयर कर रही हूँ हर किसी के साथ कि मेरे बच्चे ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। अन्य बच्चों को आप क्या संदेश? आई थिंक अपने आप में दूसरे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश खुद ही दे रही हैं कि दूसरों की मदद करनी है और किसी भी सर्कमस्टांसिस में, किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है। और एक दूसरे के लिए अगर हम सब खड़े हैं तो फिर किसी भी डर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक या दो लोग अगर एक समूह इकट्ठा हो जाए तो उसके कुछ बिगाड़ नहीं सकते।